लेकिन लेकिन अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओगे व्यूवंश वाले फोटो को। बताऊंगा तो जरूर, लेकिन हाँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम से मस्त मस्त कंटेंट लेके आते रहता हूँ। और यदि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद पसंद आएगी तो लाइक भी जरूर से कीजिएगा, और पसंद नहीं आएगी यदि आप लोगों का ये ट्रिक काम नहीं करेगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब मैं आप लोगों का इंट्रो में भी टाइम नहीं लूंगा, सीधे चलते वीडियो की तरफ लेकर। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की, और यदि आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो उसका भी मैं आप लोगों को जुगाड़ बता दूंगा कि आप लोग व्यूवंश वाले ऑप्शन से को कैसे स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि लैपटॉप है ना तो आप लोग बहुत इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओगे व्यूवंश वाले ऑप्शन में। इसके लिए आपको क्या करना, कोई भी ब्राउजर सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कुछ जिस तरह से ब्लू स्टैक्स, ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूँ ये ब्लू स्टैक बेसिकली एक विंडोज एमुलेटर है, और यहाँ पे ब्लू स्टैक 5 ये वाला जो है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये ब्लू स्टैक ना बहुत ही मस्त एमुलेटर है, यदि आपके फ़ोन में ऑलरेडी एमुलेटर आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे डाउनलोड ब्लू स्टैक का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब आप लोग इसे इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपके पीसी के होम स्क्रीन पे ऐसा 3 देखने को मिल जाएगा, ब्लू स्टैक एक्स, यहाँ पे ब्लू स्टैक 5 और यहाँ पे ब्लू स्टैक 5 मल्टी इंस्टॉलर। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन से दिख रहा है ब्लू स्टैक 5, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ओके। जब आप लोग इसे ओपन कर दोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको प्ले स्टोर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको ये प्ले स्टोर का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी को लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करके रखा है। अब यहाँ से आपको अपना व्हाट्सअप यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा, और प्ले स्टोर में डाउनलोड को व्हाट्सअप करके यहाँ से आपको अपना व्हाट्सअप को इसमें लिंक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने व्हाट्सअप डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ से इस पर टैप करेंगे तो होम स्क्रीन पर सीधा इसके आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ से डाउनलोड जब व्हाट्सअप आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राइट साइड ये जो ऑप्शन है 3 डॉट, ये इस पर आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लिंक अकाउंट का एक ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि यहाँ पे उनके व्हाट्सएप में ऐसा लिंक डिवाइस का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग आई बटन पर टैप करके ना सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को व्हाट्सएप के बीटा प्रोग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग जब इसके प्ले स्टोर में अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करके व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपके व्हाट्सएप में भी ऐसा लिंक है एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओके। उसका आई बटन पर लिंक मिल जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, कैसे लिंक करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना फ़ोन ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखने, यहाँ पे थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ओके, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। तो यहाँ पे अब आपको अपने फ़ोन में सिंपली आपको व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड ये जो 3 डॉट है सिंपली उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लिंक डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। यूज मोबाइल डेटा यहाँ पे, ओके, सिंपली क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपका जो पीसी का विंडोज एमुलेटर है ब्लू स्टैक वाला, सिंपली उसमें लिंक अकाउंट पे ये वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार कोड देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे अपने फ़ोन से इसे स्कैन कर लेना है। तो चलिए मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ, ओके, थोड़ा टाइम लेगा, और फाइनली गाइस ये हमारा स्कैन हो चुका है, और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप इसमें बहुत इजीली लॉगिन हो रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप लोग बहुत इजीली, मतलब बार बार ऐसा ओपन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग अपने व्हाट्सएप को इसमें ओपन करेंगे जो कि आपके यहाँ पे डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका ये ओपन हो जाएगा। फाइनली गाइस जब आपके एमुलेटर में आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, अब यहाँ से आप लोग बहुत इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं ऐसे कोई फोटो वगैरह सेंड करता हूँ, ओके, ऐसे व्यूवंश में करता हूँ, सॉरी, ऐसे नॉर्मली मैं सेंड कर दिया, तो ऐसे कोई पिक लेता हूँ और उस पिक को मैं ऐसे व्यूवंश वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ और यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज आ चुका है व्यूवंश वाला,
इस पर क्लिक करते हैं, ओके, इसे ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ना आप लोग बहुत इजीली ले पाओगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो है व्यू गन्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फोटो हमारा ओपन हो चुका और मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके, बहुत इजीली मैं ले सकता हूँ। सिंपली आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पीसी में बहुत सारे तरीके आते हैं, आपको क्या करना है विंडो और पीआरटी स्क्रीन पे बस ऐसे टैप करना है। पीआरटी स्क्रीन आपको विंडो 11 ऐप 11 और 12 के साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, विंडो और प्लस पीआरटी स्क्रीन ऐसे टैप करेंगे तो आप लोग ले पाएंगे। और एक और ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सिंपली आपको शिफ्ट प्लस विंडो प्लस एस, ओके, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी आ चुका है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग ऐसे एडजस्ट करके ना यहाँ से भी ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं स्क्रीनशॉट तो ले लिया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट हमारा कहाँ में आया है। यहाँ पे दिस पीसी ओपन करता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आता हूँ पिक्चर के सेक्शन में और देन स्क्रीनशॉट, और यहाँ से अभी मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया। फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट हो गया और ये फोटो मैंने व्यू वंस में से इंडिकेट था, फिर भी मैंने इसका स्क्रीनशॉट बहुत इजीली ले लिया। और जब भी मैं ऐसे इसे दोबारा फिर से व्हाट्सअप वगैरह ओपन कर लूँगा तो कुछ नहीं करूँगा, सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्सअप। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे सीधा आपका ये एमुलेटर में ही व्हाट्सअप ओपन होगा यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं, और बहुत इजीली आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो को समझने में यदि कहीं भी कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम वगैरह होता है ना तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक, क्योंकि यार 100 के ना जल्दी से पूरे करने, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।